एक देहात का कहावत है, गाछे कटहल उठे। गाछ में कटहल अभी फड़ा नहीं, ऊंट में तेल लगा करके चमका रहे हैं। जान रहे हैं कि चिराग पासवान नालायक है और नालायक समझ करके ही उनको दरकिनार करने का काम किए और पशुपति कुमार पारस जी को अपने कैबिनेट में स्थान देने का काम किए। राम मांझी जी के उम्मीदवार के खिलाफ क्यों लड़े, ये तो आप स्वयं तय कर लीजिए ना। ये तो कांग्रेस और राजद का दलाली शुरू से कर रहे हैं। एक दौर था जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी गहरे दोस्त हुआ करते थे, अब जानी दुश्मन बन चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 की पारी खेलने के लिए लगातार दिल्ली का कैंप कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार 2024 में चेहरा हो सकते हैं और नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ भी कर सकते हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ केशव जी हैं, प्रधान महासचिव है लोक जनशक्ति पार्टी से। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार जो नई पारी खेलेंगे, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का खेल बिगड़ेगा या नरेंद्र मोदी का जादू 2024 में भी बरकरार रहेगा, तमाम चीज़ों को समझेंगे। नीतीश कुमार फिर से 2024 की पारी खेलने के लिए लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, दिल्ली कैंप कर रहे हैं, क्या लगता है गणित बिगड़ेगा कुछ? कोई गणित नहीं बिगड़ने वाला है। आप देख लीजिए 2014 में चंद्रबाबू नायडू के भी नेतृत्व में पूरा विपक्ष है एकजुट हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी दे रहा था। आज चंद्रबाबू नायडू का क्या हराश हुआ है देश की राजनीति में कि देश की जनता भूल गई। ठीक नीतीश कुमार भी उसी टाइम 2014 में, आपने देखा होगा 13 में नरेंद्र मोदी जी को जब भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल नेता प्रपोज कर दिया और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उस समय भी NDA का सरकार बिहार में था। बिहार की सरकार तोड़ करके अलग हुए और उन्होंने 40 का 40 संसदीय सीट पर लड़े और मात्र 2 सीट पर संतोष करना पड़ा। उसमें भी अपना गृह जिला जो उनका नालंदा है वहाँ 5000 से कम वोट से जीत पाए। तो नीतीश कुमार जी अपना बर्बादी स्वतः तय कर लिए हैं। एक देहात का कहावत है कि गिद्दड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। नीतीश कुमार की राजनीतिक मौत का समय आ गया है, राजनीति उनका समाप्त होने जा रहा है। वह जितना तड़पड़ा ले देश और राज्य का नेता बनने के चक्कर में, वह न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, उनको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ है, कह रहे हैं कि बिहार में अब सुशासन का राज है। देखिए सुशासन का राज आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि गृह मंत्रालय खुद नीतीश कुमार जी संभाल रहे हैं और लगभग 1.5 घंटा गोलीबारी, आप लोग 40 मिनट कह रहे हैं, 30 किलोमीटर में 1.5 घंटा गोलीबारी करते हुए चला गया अपराधी, चुपचाप इनका पुलिस प्रशासन सोया रहा। कल अंबेडकर छात्रावास में जा करके जिस ढंग से 3 छात्रों को सरयाम गोली मार दिया गया भीड़भाड़ और काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका में, तो नीतीश कुमार जी अपना पीठ अपने थपथपा लें। जब से महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाए हैं, बिहार का अपराध बढ़ रहा है, नेताओं में कटुता बढ़ रही है। अभी आपने देखा कि नवादा सर्किट हाउस में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ वहाँ के प्रभारी हैं, जाते हैं वहाँ के अपना घर जाकेगा आप अपना घर देख लीजिए। नीतीश कुमार आप लोग के पास रहते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, सच्चे हो जाते हैं, लेकिन वही वाला कहावत कर रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाला। देखिए आप लोग के समय नीतीश कुमार घटना होती थी, मैं बता रहा हूँ, मंत्रालय आपके पास है, मैं बता रहा हूँ, इस पे जवाब दीजिए। हाँ उसी पर जवाब दे रहे हैं। घोड़ा होता है ना, घोड़ा ताकतवर जानवर होता है, लेकिन उसको भी बस में रखने के लिए लगाम लगाया जाता है, तो उनको उस समय भारतीय जनता पार्टी लगाम लगा करके रखती थी। आप लोग के समय घटना नहीं हुई, हम गिना बहुत कम घटना घटा, इस ढंग का घटना एक भी बताइए कि 1.5 घंटा गोली चला हो अंबेडकर छात्रावास में खुल्लेआम। अंबेडकर छात्रावास में तो कई बार नहीं, आपको बताइए ना, एक मंत्री को ऐसे भेजे तो उनका स्थानीय विधायक करता हो और जा करके चोरों का सरदार मंत्री कह रहा हो, यह इसके पहले एक भी घटना बता रहा। उनका कहने का मतलब है, बाद में वो तमाम चीजों पर तर्क दिए कि कृषि विभाग तो बीजेपी के पास रहा, 17-18 साल आप लोग सत्ता में रहे, बीजेपी के तमाम लोग रहे, तो कृषि का आज भी बंटाधार रहा। आपको याद होगा कृषि कानून बिल जो है आप ही लोग थे ना, कृषि कानून बिल आपके प्रधानमंत्री वापस क्यों ले लिए? कृषि कानून वो बिल अच्छा था, वापस क्यों? पहले बात सुन लीजिए, इसका मतलब तक कमियां थी तब ना वापस लिए। आप उस पर भी पहले अध्ययन कीजिए। नहीं हम अध्ययन करके आए, अगर आपको हमसे कुछ पूछना तो पूछिए, हम यही बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, कृषि कानून जो विधेयक आया था केंद्र सरकार के द्वारा,
वह किसानों का हित का विधेयक था, आज भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसलिए वापस लेना पड़ा कि उसमें बाहरी ताकत बिचौलिया जिस ढंग से देश का कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपका बिहार में क्यों नहीं किसान आंदोलन हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं किसान आंदोलन हुआ, एक ना किसान आंदोलन पर कहीं नहीं हुआ है, दक्षिण के भारत, दक्षिण भारत के राज्यों में नहीं हुआ, महाराष्ट्र पंजाब और हरियाणा और पूर्वी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतने लोग ही आंदोलन किए और झुक गई, झुक गई अंत में देखिए, इसलिए झुक जाना पड़ा, बाध्य होकर के झुक जाना पड़ा कि दिल्ली का सीमा सील था, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, बहुत सारा कानून व्यवस्था का मामला आ रहा था, वह किसान का हित में आज भी हम लोग कह रहे हैं है, और हम लोग किसानों को समझा रहे हैं, बुझा करके पुनः वह बिल लाया जाएगा। अच्छा, चेहरा स्वीकारेंगे विपक्ष के लोग नीतीश कुमार को, आपको लगता है ऐसा? कभी नहीं स्वीकार करेंगे, आप बताइए ना, आप पहले बताइए, विपक्ष में खाली जनता दल यू आरजेडी नहीं ना है, जनता दल यू और आरजेडी में क्या खेला पकड़ा है अंदर में, यह भी देखिएगा। आज मैं आपका चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि 3 महीना के अंदर में देखिएगा नीतीश कुमार जी का इस्तीफा होगा, और 3 महीना के बाद बिहार में सरकार किसी का नहीं बन पाएगी, बिहार चुनाव की ओर जाएगा, चुनाव होगा। हाँ, और दूसरा जो आपने सवाल किया कि विपक्ष का चेहरा का, तो आप विपक्ष का चेहरा बताइए ना, उत्तर प्रदेश बगल का स्टेट है, वहाँ मायावती हैं, वहाँ अखिलेश यादव हैं, सुहेल भारत समाज पार्टी है, नरेंद्र मोदी, ओम प्रकाश राजभर का, नरेंद्र मोदी अच्छा काम, नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम नहीं करते तो विश्व का टॉप लीडर में के श्रेणी में नहीं आते हैं, आज पूरा विश्व का सर्वमान्य नेता हो गए हैं, तमाम देश में आंतरिक विवाद हो रहा तो वहाँ पंचायती के लिए नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ राजा भोज कहाँ भोजुआ, अपना घर तो संभल ही नहीं रहा, चले क्या 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 बीजेपी रोजगार मिल गया, हर साल 2 करोड़ का रोजगार का वादा पहले बात मिला आप लोग तब अभी पहले, ठीक बात है, आप क्वेश्चन रोजगार मिला, अब आपसे पूछ रहे हैं, मैं रोजगार पर ही आ रहा हूँ, बोलिए, अभी आपने देखा रोजगार विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था हो गया, अभी आपको डाटा आया है कि 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है नरेंद्र मोदी इस वर्ष में क्वार्टरली, देखिए पहले व्यवस्था बिगड़ा हुआ था, व्यवस्था को पटरी पर ला करके और उसके बाद सारा चीज करने में, आज पूरा विश्व मंदी के दौर में है, भारत क्यों नहीं विश्व आज मंदी के दौर से बाहर क्यों है, आज कुशल नेतृत्व का ही देन है कि आज पूरा विश्व में महंगाई भ्रष्टाचार और जो क्राइसिस आर्थिक क्राइसिस है वह नहीं है, इंडिया महंगाई नहीं है, महंगाई गैस पूरा, कैसे पता है आपको, गैस आप बोल देते हैं, नहीं गैस कैसे आपको पता है, अरे गैस हाँ हाँ बता रहे हैं, आप ही बता दीजिए, 1000 रुपया का सिलेंडर है, 1000 रुपया का, 1000 रुपया से भी ज्यादा है, 1240 है ना, जाके आप पूछिए पहले आम आदमी से, भराने में हालत खराब हो जाता है केशव बाबू, अब अगल में श्रीलंका और पाकिस्तान का, देखिए तो भारत में रहेंगे तो भारत की ना बात करेंगे, आप ही लोग ना बोले थे कि काला धन वापस आएगा, आया काला धन वापस, आज ईडी कितना आ गया बता दीजिए, आज ईडी इतना छापामारी कर कहीं 400 करोड़ कहीं 1500 करोड़, खाली आरजेडी में ईडी मराएगा, पश्चिम बंगाल में मराएगा कि बीजेपी के सारे नेता बड़े ईमानदार हो गए, कहा नहीं क्यों नहीं ईडी मार रही है छापा, सुन लीजिए जब छापा मार करके रिकवरी हो रहा है तो लोग का अच्छा है ना, प्रधानमंत्री तो इसका बहुत अच्छा व्यवस्था निकाल काम कर रहे हैं, नहीं नहीं पहले सुन लीजिए पूरा बात, प्रधानमंत्री तो कैशलेस देश का व्यवस्था कर रहे थे, नोटबंदी कर दिए थे, क्यों राहुल गांधी चिल्ला रहे थे काला धन के लेकर के ही ना, राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि गरीब को लाइन में खड़ा कर दिया, गरीब के पास पैसा कितना है कि एटीएम में दिन भर लाइन लगाया रहता है, पैसा उन्हीं का काला धन वाले लोगों का पच रहा था, और देखिएगा आपको आज हम विश्वास दिलाते हैं आपको चैनल पर कि नरेंद्र मोदी रहेंगे कैशलेस देश की व्यवस्था हो जाएगी, भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, काला धन 15-15 लाख कब जाया जाएगा हम लोग को, 15-15 लाख के भी घर में 4-5 आदमी है तो 75 लाख हो गया, कहिए आएगा, 8 साल तो गुजर गया हम इंतजार में, नहीं नहीं खैरात का खाने का बहुत अच्छा आदत डालिए आप लोग, देश रहेगा, देश का आज देख रहे हैं कि देश है, सरकारी चीज बिकते जा रहा है, याद है आपको कहाँ बिक रहा है, आपको देखिए सिख इंडस्ट्री पूरा विश्व बेचता है, कोई इसी राज में नहीं बेचा है, इसके पहले कांग्रेस के राज का उदाहरण दे दें, नाल को कौन बेचा, भाल को कौन बेचा, आपको एक नेता तो वही, एक मिनट पहले बात सुनिए, यही बरौनी काल का कारखाना बिहार में बंद पड़ा हुआ था, अभी क्यों बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि उस समय हम कोयला के आधारित और नेफ्ता आधारित प्लांट था,
अब उस प्लांट को हम इलेक्ट्रिक गैस आधारित कर दिए, गैस आधारित कर करके चालू करने जा रहे हैं, तो बेचने का आप लोग कहाँ प्रसेंट आपके यहाँ भी आपके यार पहले बात सुनिए ना, आपके यहाँ भी खेती करते होंगे, जो जमीन उपजाऊ नहीं हो चाहे घर से बहुत दूर हो, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिस पर उत्पादन आसानी से नहीं कर पाते हैं, आप खुद हटाते हैं और उसके बदले बेच करके दूसरा संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, उससे अर्जित किया जा रहा है। अभी पूरा विश्व रिकॉर्ड एनएच के मामले में हम लोग बना रहे हैं ना, अभी देख रहे हैं कि 6 NH ऐसा बन रहा है कि देश को इस छोर से उस छोर जोड़ने का काम हो रहा है। विश्व में सबसे लंबा 105 किलोमीटर सड़क बनाने का हम रिकॉर्ड कीर्तिमान किए। हम कोरोना ऐसे महामारी में फ्री, इतना बड़ा देश का आबादी है 135 करोड़, उसको एक बार नहीं 3-3 बार टीका देने का काम किए। हम कोरोना ऐसे महामारी से लड़ करके निकले, मुफ्त अनाज दिए, तो देश को जितना सुदृढ़ ढंग से नरेंद्र मोदी जी ले करके चल रहे हैं। हम भी लोग देखे हैं, आप देखे हैं नहीं देखे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं, पत्रकार के एंगल से देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता के एंगल से देख रहे हैं, ये तो तय आपको करना है। यही तो हम बताएं कि सब तो देश बेचे, आप बेचे, पहले बात सुनिए ना। एक एक आखिरी सवाल है, चिराग जी की नजदीकियां बढ़ रही है बीजेपी से, कहाँ बढ़ रही है, बढ़ रही है क्या, बढ़ रही है तो जरा बताइए ना, क्यों नहीं 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, बधाई क्यों नहीं दी, बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो बधाई तो देना चाहिए, क्यों नहीं बधाई दी है आप इस क्वेश्चन का, घातक हो सकता है। अरे मेरे लिए घातक सुन लीजिए, एक देहात का कहावत है, गाछे कटहल ओठे तेल, गाछ में कटहल अभी फड़ा नहीं, ओठ में तेल लगा करके चमका रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी को रामविलास पासवान का वारिस घोषित करना रहता तो चिराग पासवान को साल भर पहले मंत्री बनाए रहते, वह जान रहे हैं कि चिराग पासवान नालायक है और नालायक समझ करके ही उनको दरकिनार करने का काम किए और पशुपति कुमार पारस जी को अपने कैबिनेट में स्थान देने का काम किया। नरेंद्र मोदी ऐसा किया, नरेंद्र मोदी नहीं किए तो कौन किए, आप किए, आपका विशेषाधिकार और मेरा विशेषाधिकार होता है क्या? पीछे तो पर्दे का खेल का था, 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जदयू को डैमेज करने के लिए ये बीजेपी की रणनीति थी कि चिराग आगे करके। अच्छा ठीक बात है, इतना आपको जानकारी है, इसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हमको जानकारी नहीं है, जो नहीं नहीं पहले आप पहले बात बताइए ना, चिराग पासवान राघोपुर में क्यों चुनाव लड़े, भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों लड़े, रोसरा में क्यों लड़े, गोविंदगंज में क्यों लड़े, लालगंज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों लड़े? यदि उनको नीतीश जी से दुश्मनी था चिराग जी को, तो मुकेश सहनी के 11 उम्मीदवार को खिलाफ क्यों लड़े, जीतन राम मांझी जी के उम्मीदवार के खिलाफ क्यों लड़े? ये तो आप स्वयं तय कर लीजिए ना, ये तो कांग्रेस और राजद का दलाली शुरू से कर रहे हैं। पैसा लिए थे कांग्रेस से, राजद से, या मेरा आरोप आज नहीं है, पुराना आरोप है, हम जो भी बोलते हैं तथ्य के और प्रमाण के साथ बोलते हैं, उसमें लड़े। तेजस्वी यादव को नहीं जिताने के लिए राघोपुर से लड़े, अजीत शर्मा कांग्रेस का विधायक दल के नेता को जिताने के लिए भागलपुर से लड़े, ये तो वोट कटवा के भूमिका में रहे, आज अपनी पार्टी तोड़ दिए, घर तोड़ दिए और सब लेकर के झाल बजा रहे हैं। देखिएगा अभी कितना झाल बजाएंगे चिराग पासवान, मुंह की खानी पड़ेगी चिराग को। चिराग पासवान को देखिएगा कि राजनीति 2024 समाप्त हो जाएगी, देश में राजनीति करने लायक चिराग पासवान नहीं रहेंगे। देखिए केशव जी थे लगातार अपने विवाद बोल के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है, नीतीश कुमार जितना भी हाथ पैर मार ले नरेंद्र मोदी के सामने टिकेंगे नहीं और चिराग पासवान का जो राजनीतिक करियर है 2024 में वो विलुप्त हो जाएगा। रोहित, NBC 24 पटना।